ट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, जैसे कि एलोकेशन रेफरेंस वेरिएबल्स और बहुत कुछ इनके नीड भी समझेंगे क्यों वाई वाला पार्ट जो होता है वो भी क्लियर करेंगे कि यार क्यों चाहिए रीजन क्या है सबको डिस्कस करेंगे रिकर्जन की बहुत डिमांड है बच्चे यार रिकर्जन स्टार्ट करो वो भी आएगा एक बार ये वाला पार्ट हम खत्म कर लें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन वाला फिर ट्रांसफर करेंगे तो स्टार्ट करते हैं हमारे बहुत सारे टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं इसके अंदर ये हमारा डायनामिक का पार्ट वन तो सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने यहां पर आता है उसका नाम है रेफरेंस वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल चलो समझते हैं रेफरेंस वेरिएबल अगर एक लाइन में समझाना हो तो जैसे नॉर्मली क्या होता है एक बच्चा होता है ये एक बच्चा है छोटा सा ठीक है इसका एक नाम है इसका एक नाम है स्कूल के अंदर स्कूल में इसको बच्चे बोलते हैं लव ये इसका स्कूल का नाम है ठीक है और सेम ये बच्चा है इसका घर है ऐसा घर पर नाम लवली हो गया ठीक है ये इसका घर का नाम हो गया स्कूल का नाम घर का नाम ठीक है मतलब ये होता है किसी किसी बच्चे का ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ कि व्यक्ति तो एक ही है बच्चा तो एक ही है पर उसके नाम डिफरेंट हो चुके हैं यही रेफरेंस वेरिएबल होता है कैसे समझते हैं इस चीज़ को कि मैंने बोला कि यार इंट आई इज इक्वल टू फाइव फाइव बहुत यूज़ करता हूँ मैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार एक ना ब्लॉक होगा एक ब्लॉक होगा मेमरी का जिसका नाम जो है जिसका नाम होगा आई और उसके अंदर फाइव पड़ा हुआ है इसका एड्रेस मान लो कुछ भी सात सौ लिया तो हमें समझ में कि जब मैं इंटाइज फाइव लिखता हूं तो उसका मतलब ये होता है अगर मैं इन डेप्थ फंक्शनिंग की बात करूं तो अगर मैं बोलू कि इसका एक नाम तो आई है क्या मैं इसका एक और नाम दे दू अगर मैं इसको एक और नाम दे पाऊं अगर मैं बोलूं कि इसका एक और नाम है जे तो भैया यही आपका रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है कि मेमरी सेम है सेम मेमरी बट हम कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है उसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है उसके क्या मतलब है इस बात का कि मेमोरी का ब्लॉक तो सेम ही है यार यही तो मेमोरी का ब्लॉक है अलग मेमोरी ब्लॉक थोड़ी बन गया अब इसी मेमोरी ब्लॉक को मैंने आई भी बोल दिया इसी मेमोरी ब्लॉक को मैंने जे भी बोल दिया सेम उसी प्रकार व्यक्ति तो सेम ही है पर इसको मैंने लव भी बोल दिया और इसी को मैंने लवली भी बोल दिया तो यही आपका रेफरेंस वेरिएबल होता है भैया क्यों नीड है इस चीज की क्यों मतलब एक मेमोरी ब्लॉक को आई और जे क्यों बोलूं एक नाम से काफी एक नाम काफी नहीं है दो नाम क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम मैंने बोला समझाएंगे वाई वाले पार्ट पे आएंगे बट हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है सेम मेमरी अलग अलग नाम इसको हम क्या बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल कैसे करते हैं क्रिएट कैसे करते हैं इस चीज को ये एक बार समझ लेते हैं और थोड़ी क्लैरिटी देते हैं आपको मैंने क्या बोला कि यार बोलावल टू फाइव फाइव बहुत यूज करता हूं मैं फिर मैंने क्या किया एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया कैसे क्रिएट करते हैं भैया वो देखो ऐसे क्रिएट करते हैं हमने लिखा कि एंट एंड जे इज इक्वल टू आई तो ये है आपका तरीका एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करने का इस प्रकार आप एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं इसका इससे हुआ क्या होगा ये है, समझते हैं एक बार जब मैंने आपका बोला कि यार आपने ये वाली दो स्टेटमेंट लिखी है इन दो स्टेटमेंट से क्या हुआ पहली स्टेटमेंट ने आपका क्या किया एक डब्बा बनाया इसका नाम आई रख दिया एड्रेस इसका मान लेते हैं सात सौ दस है अंदर पाँच है और दूसरी स्टेटमेंट ने क्या किया दूसरी स्टेटमेंट ने क्या किया इसने एक रेफरेंस वेरियल बनाया और बोल दे कि यार इस डब्बे को ये डब्बा तुम्हारा है ठीक है ये डब्बा है तुम्हारा जे भी है ठीक है तो अब चाहे मैं लिखूं आई प्लस प्लस तो ये फाइव प्लस अब चाहे मैं जे प्लस प्लस लिखू तो ये प्लेस फान प्लेस फान हो जाएगा। मतलब सेम मेमोरी है सेम ही चीज को आप एक्सेस कर पा रहे हो बस उसके नाम दो दे दिया आपने इसको हम रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं समझ में आ चुकी है हमें चीज बहुत आराम से ठीक है फिर भी फिर भी हम इसको कोड करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए एक बार हमने क्या बोला हमने बोला कि एक आई है हम ठीक है और एक जे है मैंने ये रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर दिया यहाँ पे कमेंट कर दिया समझ में आ जाए आ... ठीक है आपने क्या किया यहां पे एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर दिया इंट एंड और यहां पे इसका नाम आपने जे दे दिया इसको क्या बोला कि ये आई का रेफरेंस वेरिएबल है बहुत बढ़िया अब मैं क्या करता हूं एक बार आई की वैल्यू प्रिंट कर लेता हूं रन कर दूँ रन कर देते हैं आई की वैल्यू क्या आ गई पांच आ गई अब मैंने क्या किया आई को एक बार प्लस प्लस कर दिया और फिर मैंने दोबारा आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया मैंने चेक किया क्या आया अब आई की वैल्यू छः हो गई ठीक है अब मैंने क्या किया अब मैंने जे को प्लस प्लस कर दिया और मैंने फिर दोबारा आई की वैल्यू प्रिंट कर दी अब क्या होगा आपका ये सेवन हो गया ठीक है तो हमने क्या बोला क्यार इंड आइजल टू फाइव एक मेमोरी लोकेशन बनाई जिसके अंदर फाइव डाल दिया उसको हमने नाम दे दिया आई हमने क्या बोला एक रेफरेंस वेरियर बनाओ जे इजल टू आई तो यानी अब जो फाइव था ना यार जो मेमोरी ब्लॉक के अंदर फाइव पड़ा हुआ है उसको मैं आई भी बोल सकता हूँ उसको मैं जे भी बोल सकता हूं जब मैंने बोला कि आई प्रिंट करो आपका फाइव प्रिंट हो गया आपने आई प्लस प्लस किया तो ये फाइव इंक्रीमेंट हो गया सिक्स हो गया आपने आई प्रिंट करके देखा यहाँ पे आपका सिक्स आ चुका था फिर आपने जे प्लस प्लस किया अरे जे को अलग वेरिएबल थोड़ी है अलग मेमोरी थोड़ी है वो सेम डब्बे को बोल रहा हूँ उस डब्बे में भी क्या पड़ा हुआ है हमने अभी देखा उस डब्बे में छे पड़ा हुआ है तो जब मैं जे प्लस में लिखता हूँ वही डब्बा दोबारा इंक्रीमेंट हो गया यानी वो सात हो चुका है अब यहाँ पे आई प्रिंट करूंगा तो भी साथ आएगा या फिर मैं जे प्रिंट करूंगा

अब मैं अगर बोलता हूँ आई प्लस प्लस तो इसको कैसे ये कैसे चेंज होगा ये ऐसा हो जाएगा आई प्लस प्लस में ये फाइव जो है सिक्स बन जाएगा और इसको आई भी बोल सकता हूँ जे भी बोल सकता हूँ अब जब मैं बोलता हूँ कि यार जे प्लस प्लस तो इसकी अब इसकी कंडीशन क्या होगी अब इसकी सिचुएशन इस प्रकार हो जाएगी डब्बा जो है छः की जगह सात हो गया इसको आई भी बोल सकता हूँ इसको जे भी बोल सकता हूँ समझ में आई बात में ये ये बात समझ में आ गई है दोबारा रिपीट करता हूँ एक लाइन की गेम थी यार सेम मेमोरी डिफरेंट नेम्स चीज दिस वीडियो अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर डोमेन तो में एंटर किया जाए और एक तगड़ी हाई सी वाली जॉब ग्रैप की जाए सो इज प्लेटफॉर्म फॉर यू यहाँ पर आप बहुत अच्छी अच्छी कंपनी को देख सकते हैं हायर करते हुए जैसे क्रेड वन एम जी मीशो अर्बन कंपनी आप ग्रेड तो बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं री लेवल टेस्ट आर कम्प्लीटली फ्री इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स और यूनिकॉन्स हैं जो हायर कर रहे हैं एक और नया फीचर यहाँ पे एड हुआ कि यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी डाल दिए गए हैं ताकि आप मॉक टेस्ट ले पाए इसलिए रियल टेस्ट देने से पहले और आपको समझ में आ जाएगा ठीक है असली टेस्ट में से क्या क्या पूछा जाने वाला है तो प्रैक्टिस कर लेता हूं अब तक तो इन्होंने करोड़ प्लस वर्ग प्रोवाइड ऑलरेडी कर दी हैं और ये कुछ कुछ नाम आपके सामने आ रहे हैं क्योंकि लीडर बोर्ड बने हुए हैं और फायदा है लीडर बोर्ड का ये कि यार आपको एक्साइटिंग प्राइजेस मिलते हैं महंगे महंगे वाले <laughs> अब आप एक जॉब लेना चाहते हैं साथ ही साथ कोई लीडर बोर्ड में रहकर एक्साइटिंग प्राइस भी लेना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा आपको उस लिंक पे जाके जो कि डिस्क्रिप्शन आपको मिलने वाला है वहां पर जाके अप करना पड़ेगा रजिस्टर करना पड़ेगा टेस्ट के लिए और बहुत सारी कैटेगरीज जिनके अंदर आप रजिस्टर कर सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये सारी की सारी कैटेगरी एक नई कैटेगरी यहाँ पे फुल स्टेक डेवलपमेंट की ऐड हुई है तो रजिस्टर करो जॉब लो और फिर मुझे पार्टी दे देना चलो बाय बाय बस इतनी क्लैरिटी आपको मिलनी चाहिए तो आपको रेफरेंस वेरिएबल कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर भैया क्यों चाहिए मुझे मतलब एक नाम से मैं बुला तो पा रहा हूँ लोकेशन को ऐसे अलग अलग नाम क्यों एक्सेस करू मैं मैंने बोला दोस्त अभी समझ में आ जाएगा बस थोड़ी सी क्लैरिटी मुझे देने दो ठीक है एक कॉन्सेप्ट हमने समझा था फंक्शंस पढ़ते हुए वो कॉन्सेप्ट क्या था कि यार मान लेते हैं कि मेन है और मान लेते हैं कि आपका अपडेट फंक्शन है ठीक है अपडेट फंक्शन किस प्रकार का था कि अपडेट एक फंक्शन होगा इसके अंदर आपका एक वैल्यू आ रही होगी और आप उस वैल्यू बस अपडेट कर दोगे एन प्लस कुछ कुछ कर दिया इतना ही था उस फंक्शन के अंदर ठीक है ऐसा कुछ कुछ था ठीक है हमने क्या बोला था कि यार मेन के अंदर मान लो आपने बिफोर प्रिंट कर लिया बिफोर में एन की वैल्यू मान लो फाइव है फिर आपने फंक्शन कॉल मार दी यहाँ पे एक और नया एन क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर फाइव पड़ा होगा आपने पे कर दिया या फिर जो भी आपने N plus plus कर दिया। तो ये एन की आफ्टर में फिर दोबारा पड़ा है। तो आफ्टर प्रिंट करा तब भी फाइव आ रहा है तो हमें यह समझ में आई थी यार हमने भले ही यहाँ पर अपडेट कर लिया हो पर जो एन यहाँ पर ऐसे फंक्शन में पास हुआ था वो पास बाय वैल्यू हुआ था है ना? पास बाय वैल्यू हुआ था तो जब भी पास बाय वैल्यू होता है हमें एक चीज़ याद थी कि पास बाय वैल्यू में हमेशा एक कॉपी क्रिएट होती है यानी जब मैं इस मेन फंक्शन से यहाँ पर अपडेट फंक्शन कॉल मारता हूँ अपडेट एन तो यहाँ पर जब ऐसा गया है एन तो यहाँ पर एक नया एन क्रिएट हुआ है ये वाला ये एक नया एन क्रिएट हुआ है समझ रहे हैं इस चीज़ को हम ये एक नया एन क्रिएट हुआ है ये एन जो है ये मेन फंक्शन का एन है जब मैंने यहाँ पर इसको पास किया है तो यहाँ पर एक नया एन क्रिएट हुआ है ये वाला ये अपडेट फंक्शन का एन है समझ में आई तो जब मैं इस फंक्शन, इस, function इस N को इंक्रीमेंट करता हूं, तो में करते हूं। जो आपका जो पैरामीटर है यहां एक नई कॉपी क्रिएट हो जाती है ये चीज समझ में आती है अब रेफरेंस वेरिएबल भैया गया बीच में मैं समझाता हूँ समझो चलो मैंने इसको कर दिया एक बार कमेंट ठीक है मैंने एक फंक्शन बना दिया अपडेट वर्ड अपडेट इसके अंदर मैंने एक, एक मैंने वैल्यू भेज दी एन करके अब मैंने इसको पूछने के बाद इंक्रीमेंट कर दिया एन प्लस प्लस इस प्रकार अब मैंने क्या किया एक इंटरवेन बना लिया मैंने इसका नाम रख दिया फाइव फटा दी इसके अंदर मैंने बोला सी आउट करो बिफोर वैल्यू क्या है एन की इस प्रकार और फिर मैंने क्या किया फिर मैंने अपडेट फंक्शन फुण्थ कॉल मार दिया ठीक है फिर आपने आफ्टर वैल्यू प्रिंट कर दी एक बार आफ्टर वैल्यू प्रिंट कर दिया इनकी ठीक है इसको एक बार मैं क्लियर करके रन करके दिखा देता हूं आपको तो यहां पे क्या हो रहा है n की वैल्यू फाइव है आपने पहले प्रिंट कर लिया फिर अपडेट फंक्शन कॉल मार दिया फिर प्रिंट कर लिया अपडेट फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है उसका बस इंक्रीमेंट कर रहे हो ठीक है रन कर लेते हैं एक बार देखो बिफोर में भी आपकी एन की वैल्यू फाइव ही आ रही है और आफ्टर में भी आपकी एन की वैल्यू फाइव ही आ रही है क्यों क्योंकि आपका जो यहाँ पे एन एन है ये कॉपी हुई है एक कॉपी क्रिएट हुई है पास बाय वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है ये अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिसमें क्या करूंगा मैंने इस अपडेट फंक्शन कॉपी कर लिया इसका नाम मैंने मान लो अपडेट वन रख दिया ठीक है और इसका एक और मैंने बनाया अपडेट टू करके इसके अंदर मैंने जो एन है ना उसको एक रेफरेंस वेरिएबल बना दिया एक रेफरेंस वेरिएबल ठीक है तो मैंने अपडेट टू कॉल कर दिया अब देखते हैं क्या होता है अब मैं रन करता हूँ देखो अब बिफोर में फाइव आ गया और आफ्टर में सिक्स आ गया तो यानी वैल्यू तो चेंज हुई है अब इसमें हुआ क्या ये समझ लेते हैं एक बार देखो हमने क्या बोला हमने बोला कि यार ये जो है ये मेन फंक्शन है फिर हमने क्या बोला यार ये जो है ये अपडेट फंक्शन है हमने बोला यहां पर एन क्रिएट करो जिसके अंदर फाइव पड़ा हुआ है कर दिया फिर हमने क्या बोला बिफोर की बिफोर प्रिंट कर दो बिफोर प्रिंट कर लाइन नंबर थर्टी वन पे तो बिफोर जब प्रिंट किया तो एन आपका जो है फाइव की इक्वल फाइव प्रिंट हो गया फिर हमने फंक्शन कॉल मारी फंक्शन कॉल जब मारी बट यहां पर एक रेफरेंस वेरिएबल है ओके यहां पर हम जगह जाए तो मुझे दिख रहा है कि जो आर्ग्यूमेंट है वो एक रेफरेंस वेरिएबल है यानी मेमोरी लोकेशन जो है वो यही रहने वाली है बट इसका नाम अलग कर दूंगा तो इसका मतलब मैंने यहां पे क्या किया कि एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लिया जे नामक जे नामक मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लिया जो कि किसको दर्शा रहा है जो की इसी मेमोरी लोकेशन को दर्शा रहा है नई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई इसी मेमोरी को दर्शा रहा है आपका जे वाला रेफरेंस वेरिएबल बहुत बढ़िया अब मैंने क्या बोला अब मैंने बोला एन प्लस प्लस ठीक है सॉरी कुछ गलती कर दी ये जे नहीं यहाँ पे एन आई हा ठीक है तो जो एन है आपका वो इसी लोकेशन को दर्शा रहा है ठीक है तो आपने बोला एन प्लस प्लस तो यानी ये वाली लोकेशन जो है ये प्लस प्लस हो गई ये फाइव प्लस वन सिक्स हो गया बहुत बढ़िया इतना हो गया आप वापस आ गए फिर आपने क्या बोला कि यार आफ्टर वाला प्रिंट करता हूँ आफ्टर में आए की वैल्यू देखने गए की वैल्यू क्या है दोस्त और अरे यार ये तो सिक्स है तो आपने सिक्स प्रिंट कर दिया इस प्रकार आपका पहले बिफोर में फाइव प्रिंट हुआ और आफ्टर में सिक्स प्रिंट हुआ क्या समझ में आता है इस कॉन्सेप्ट से जब हम यहां पर एक रेफरेंस वेरिएबल यूज कर लेते हैं फंक्शन कॉल के अंदर तब उस कॉल को मैं क्या बोलता हूँ यार ये पास बाय रेफरेंस हुआ है दोस्त पास बाय रेफरेंस बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है और आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा मैंने बोला पास बाय रेफरेंस तो पास बाय रेफरेंस में क्या होता है नई मेमोरी क्रिएट नहीं होती पास बाय वैल्यू में क्या होता है कॉपी हो जाता है नई मेमोरी क्रिएट हो जाती है दोबारा समझते हैं पास बाय वैल्यू में आप एक कॉपी पास करते हो यानी नई मेमोरी आप एलोकेट करवाते हो अपने आपको एक नया यार इसके लिए नई मेमोरी देना दोबारा बनाना है कॉपी कॉपी के लिए पास बाय रेफरेंस में आप क्या बोलते हो यार मेमोरी तो एलोकेट हुई पड़ी है उसमें जो भी चीज डली पड़ी है पहले डली पड़ी है बस एक नाम दूसरा देता हूं इसको मैं समझ गए तो ये जो एन है यहां पर ये एन तो अपडेट का है और ये जो एन है ये एन तो मेन का है बट दोस्त ये सिर्फ़ एक वेरिएबल है ये जो कि इसको पॉइंट कर रहा है कि यार मेमोरी तो मिली पड़ी है बस मैं इसको एक नया नाम दे रहा हूँ ऐसा इस प्रकार ठीक है तो एक बार दोबारा आपको चीज़ समझा देता हूँ मैंने आपको बोला कि यार ये है पास बाय वैल्यू इसमें आप क्या करते हो अगर कोई मेन फंक्शन किसी अपडेट फंक्शन को कॉल करता है ज़रूरी नहीं है कोई ए फंक्शन कोई बी फंक्शन को कॉल करता है किसी पैरामीटर के साथ तो भाई ये जो पैरामीटर है ना ये जो पैरामीटर यहाँ पे आपने कॉपी क्रिएट करी है किसकी कॉपी क्रिएट करी है इस वाली चीज की ठीक है एक आपने कॉपी क्रिएट करी है और यहां पे नई मेमोरी और जो कि ये जो आपने नई कॉपी क्रिएट करी है ये मेमोरी लेगी भाई अलग से है ना इसने तो ली हुई है बट ये भी अलग से मेमोरी लेगा और पांच बार रेफरेंस वाली गेम क्या होती है उसको समझ लेते हैं पास बाय रेफरेंस वाली गेम क्या होती है जैसे किसी ए फंक्शन ने को पैरामीटर पास किया बी फंक्शन को जहां पे आपने उसको एक एज अ रेफरेंस वेरिएबल ले लिया तो ये क्या कहता है कि यार लोकेशन तो यही रहेगी मेमोरी यही यूज कर ले मेमोरी यही यूज कर ले बट इसको एक और नाम दे दे इसको ये जो नाम यहाँ पे ना नाम भी दे दे इस प्रकार तो मेमोरी तो यही है अब इस मेमोरी को मैं ए वाले एन से भी बुला सकता हूँ और बी वाले एन से भी बुला सकता हूँ मेमोरी सिंगल है है ना तो आप अलग से मेमोरी क्रिएट नहीं कर रहे हो आप क्या बोलते हो आप बोल रहे हो मेमोरी सेम है है दोस्त नाम डिफरेंट है। तो पांच बार रेफरेंस बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ठीक है और आपको इसको समझ के मजा भी आ गया होगा तो जब मैं आपको कहता हूं यार पास बाय रेफरेंस तो इसमें एक और चीज आपके सामने आती है आपने अभी क्या देखा कि यार वर्ड अपडेट यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लिया इस प्रकार का और ये मेरा फंक्शन हो गया तो अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ दोस्त तो भाई मैं यहाँ भी रेफरेंस वेरिएबल डाल सकता हूँ कैसे मैं लिख सकता हूँ कि इंट एंड अपडेट यहाँ पे आपका कुछ भी आ गया ठीक है कुछ भी आ गया आपने क्या बोला कि यार इंट ए इज इक्वल्स टू टेन आपने एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लिया इंट एंड आंसर इज इक्वल्स टू ए और आपने रिटर्न कर दिया आंसर क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल टाइप है ना इस प्रकार भी आप कर सकते हैं समझ में आई ये चीज हमें तो जब हम यहाँ पे इनपुट में रेफरेंस वेरिएबल दे सकते हैं तो वैसे हम आउटपुट में रिटर्न टाइप में भी रेफरेंस वेरिएबल यूज कर सकते हैं क्या इसमें कोई दिक्कत आएगी क्या इसमें कोई दिक्कत आएगी इसमें यार एक बहुत प्यारी दिक्कत है इसमें एक बहुत प्यारी दिक्कत है समझते हैं इस चीज को यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे लिखा कि यार एक इंट एंड टाइप का फंक्शन है मेरे पास जिसके अंदर एक चीज आती है एक इनपुट पैरामीटर आता है आप क्या करते हो एक नम बनाते हो इंट नम इजिक्वल्स टू आपने बोल दिया ए और आपने एक रेफरेंस बेरियल बना दिया इंट आंसर इजिकल्स टू नम और आपने बोला कि रिटर्न आंसर ठीक है इस प्रकार की आपने कुछ चीज कर दी यहाँ पर अगर चीज हम ध्यान से देखें गलती कहाँ पर हो रही है गलती कहाँ पर हो रही है यहां पर आपने क्या किया कि यार जो आंसर का रेफरेंस है ना जो आंसर आपने रेफरेंस बेरियल बनाया उसको रिटर्न कर दिया बट हमें क्या बताया ये जो इंट नम है ये एक लोकल वेरिएबल है लोकल वेरिएबल किसका है? इस फंक्शन का इस ब्लॉक से इस ब्लॉक तक इसकी हम कह सकते हैं लाइफ स्पैन है है ना इस ब्लॉक के बाहर इसकी मृत्यु हो जाती है डाई हो जाता है है ना ऐसा कोई फंक्शन ऐसा कोई वेरियबल एक्जिस्ट नहीं करता तभी तो लोकल वेरिएबल है सेम उसी प्रकार ये जो रेफरेंस वेरिएबल मैंने बनाया है इसकी भी लाइफ स्पैन कहाँ तक है ये भी यहां तक जीवित रह सकता है इसके बाद ये मर जाएगा समझ ये में आई ये चीज हमें तो यार जब यहाँ ये ब्लॉक ख़त्म होने के बाद मेरी मेमोरी क्लियर ही हो जाएगी ये नम वाली मेमोरी क्लियर हो जाएगी ए एन एस वाली मेमोरी क्लियर हो जाएगी तो मैं पास क्या कर रहा हूँ तो मैं पास क्या कर रहा हूँ तो ये बहुत ही डेंजरस प्रैक्टिस है यार बहुत ही बैड प्रैक्टिस है अगर आप ट्राई करेंगे तो शायद वार्निंग भी आपको आ जाए कंपाइल करते हुए एक बार ट्राई कर लेते हैं अगर मैं यहाँ पर इसको कॉल करता हूँ वार्निंग आनी चाहिए यार फंक्शन और यहाँ मैंने एन पास कर दिया मान लो अब मैंने इसको रन कर दिया आगे वार्निंग आगे वार्निंग समझ में आई तो वार्निंग आई आपको और समझें इस चीज़ को एक बार कि ये बहुत बैड प्रैक्टिस है और ये बैड प्रैक्टिस क्यों है क्योंकि यार आपका जो ये नम है आपका जो ये ए एन एस है ये लोकल वेरिएबल्स हैं जैसे ही आपका ये ब्लॉक खत्म हो जाएगा ना यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये मेमोरी जो क्लियर हो जाएगी है ना हो सकता है कि आप इस जो आपने रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया है जब इसको आप प्रिंट करने का ट्राई ट्रेगा तो उसका एक्सेस ही ना कर पाएं हो सकता है कि वहाँ पर कोई और वैल्यू पड़ी हो तो ये प्रैक्टिस फॉलो ना करें यार ये बहुत ही बैड प्रैक्टिस मानी जाती है तो इसको हम बोलेंगे बैड प्रैक्टिस है जी इसको हमने बोला कि यार ये बैड प्रैक्टिस है और ये मत करो तो अच्छा है क्यों भैया बैड प्रैक्टिस क्यों है क्योंकि भैया वो मेमोरी हो सकता है आप एक्सेस ही ना कर पाओ भैया कौन सी मेमोरी ये वाली मेमोरीज की बात कर रहा हूँ एक्सेस ही ना कर पाओ ये रीज़न हो सकता है दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि मान लो वहाँ कुछ और पड़ा हुआ है मान लो किसी और ने चेंज कर दिया वो

पास बाय रेफरेंस जॉब करते हैं रिटर्न बाय रेफरेंस भी आपने देख लिया अभी रिटर्न बाय रेफरेंस जो हमने फंक्शन में देखा देखे पे अभी रिटर्न बाय रेफरेंस रिटर्न बाय रेफरेंस की क्या क्या ये ड्रॉबैक होते हैं आपको समझ में आ गई अभी कि यार क्या ड्रॉबैक्स हैं इसके ठीक है तो जब भी यार ये वाली चीज करें तो ध्यान थोड़ा सा ध्यान दें थोड़ा सा ध्यान दें है ना ये सेम चीज आपकी पॉइंटर के साथ भी है मान लो अगर मैं इसको इस प्रकार कर, कर देता कि यार एक पॉइंटर रिटर्न करूँगा और ये मेरा फंक्शन है एक फन नाम का इसके अंदर एन आ गया मैंने क्या करा एक नया पॉइंटर क्रिएट कर लिया कि एंट स्टार पी टी आर पीटीआर अरे पी टी आर लिखना भाई एन ऐसा और रिटर्न कर दिया मैंने पी टी आर ऐसा कुछ दिखने में तो अच्छा लग रहा है कुछ भी फट नहीं रहा है इसके अंदर है ना यहां पे हमने इसका एंड लिख दिया ठीक है ऐसा इस प्रकार का बट भाई साहब यहाँ भी दिक्कत है <laughs> यहां भी दिक्कत है सेम दिक्कत है कि यार ये तो लोकल वेरिएबल है ना तो लोकल वेरिएबल इसके ब्रेसिस के बाहर ये जो आपके बाउंस है इनके बाहर तो मृत्यु हो चुकी होगी इनके ऐसा कुछ एक्जिस्ट नहीं करेगा तो भैया ये भी वही सेम दिक्कत आपको देने वाला है जो सेम दिक्कत आपको यहाँ पे दिख रही है ठीक है इसको एक बार कॉल करके देख लेते हैं मैंने लिखा फन एन रन करते हैं आ गई आ गई समझे इस चीज़ को तो यार यहाँ पर थोड़ी सी हमें डेप्थ में चीज़ें पता लगी है कल को आपके सामने एम सी के अंदर ऐसा कुछ आ जाएगा तो आपको लगेगा अरे इसको बनाने की कोशिश करें मुझे तो पहले से आता है तो ये चीज़ें वो हैं जो रेफरेंस वेल्ड आप सबको पता होगा जिन्होंने पहले से ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है उन सबको आता होगा रेफरेंस वेल्ड क्या होता है बट शायद मैं उनको ये चीज़ देता और उनसे पूछता कि इस केस में क्या होगा तो उनको पता नहीं होता कि यार यहाँ पे भैया वार्निंग आएगी आपको नहीं पता होता मेजोरिटी को नहीं पता होता मुझे ऐसा लगता है अगर पता तो बहुत अच्छी बात है ठीक है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है जो एट लीस्ट आप जो व्यूअर्स हैं आप ये जान चुके हैं अगर आपको समझ में आया मज़ा आ गया इस कॉन्सेप्ट को देख के क्योंकि आपका दोस्त नहीं जानता होगा मेरी गारंटी है ठीक है पूछ लेना भले उसके फंस जाके ठीक इसका आउटपुट क्या होगा फंस जाएगा हो अगर आपको मजा इस आया को समझ के इन डेप्थ में तो कमेंट uh, करना कॉन्सेप्ट प्लस प्लस ठीक है आगे बढ़ते हैं तो बात हैं अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करेंगे एरेज के बारे में एक बहुत प्यारी चीज जो आपको मैंने पहले समझाई थी मैं अरेज का हमने डिस्कशन किया था इंटर वाली चीज एरे को देखते हैं यार क्या चीज़ होती है और एक बैड प्रैक्टिस मैं आपको बताई थी उस टाइम पर अगर आपको याद हो तो उस चीज को यहाँ पर सॉल्व कर देंगे यार बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे मैंने आपको क्या बोला था कि यार मान लेते हैं कि आपने क्या किया इंट एन ले लिया फिर आपने सी एन एन कर लिया रन टाइम पे आपको पता लग गया एन की वैल्यू क्या है और फिर आपने बोला कि यार एंट आई कैरे क्रिएट किया और उसके अंदर एन दे दिया मैंने आपको बोला था भाई ये वाली जी चीज है ना ये मत करना क्योंकि ये बैड प्रैक्टिस है ओहो हो ठीक है तो मैंने आपको बोला था ये जो है भाई बैड प्रैक्टिस है तो ये मत करना ठीक है आपने मुझसे पूछा नहीं भैया क्यों मैं <laughs> बताता हूं बैड प्रैक्टिस क्यों है ये देखो यार हमें हमें जो यहाँ पे ये साइज दे रहे हैं ना यहाँ पे एरे का साइज क्या है अभी इस केस के हिसाब से हमें साइज का पता लग रहा है हमें रन टाइम पर पता लग रहा है क्योंकि जब उसको रन कर देंगे प्रोग्राम को और एन की वैल्यू इनपुट में मांगेंगे एन की वैल्यू मिल जाएगी उसके बाद डिसाइड हो गया एरे किस साइज का बनने वाला है तो रन टाइम पे हम बता रहे हैं कि एरे एरेज होगा कितना बड़ा होगा कितने इंटीजर स्टोर करने वाला भाई साहब एक भयानक चीज है बहुत ज्यादा हमें जो ये साइज है ये कंपाइल टाइम पर पता होना चाहिए कंपाइल टाइम पर अगर हमें पता होगा तभी काम की चीज़ें हैं कैसे पता लगेगा अभी कंपाइल टाइम पर पता होना इट्स अ गुड थिंग रन टाइम पर पता होना बहुत भयानक चीज़ हो सकता है किसी किसी कंपाइलर से चल जाए हो सकता है किसी किसी कंपाइलर से चल जाए वो चला के दे दे आपको आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाए बट एट दी एंड ये है तो एक बेकार प्रैक्टिस ही बैड प्रैक्टिस ही ये जो साइज़ है ये हमें कंपाइल टाइम पर पता होना चाहिए मैं आपको बोलता हूँ कंपाइल टाइम पर पता होना चाहिए इसका मतलब क्या था मैंने आपको बोला था कि यार आप एरे ना इस प्रकार लिख देना आपको नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसा ऐसा बड़ा सा एरे बना देना कंपाइल टाइम पर हमें पता क्या दस हज़ार साइज का एरे बनाना है है ना तो मैंने आपको इस प्रकार बोल दिया यार बड़ा बना लो अगर आपको नहीं पता तो बट अभी के लिए ये फिक्स साइज आप डाल देना यार वेरिएबल मत डालना आपको यहां पे कांस्टेंट डाल देना है कि दस हजार जो भी आपका मन करे वो डाल देना ठीक है बट रन टाइम पे मत डालना यार ठीक है आप सवाल आता है भैया रन टाइम पे क्यों ना डालें इसको क्वेश्चन समझते हैं एक बार मैंने क्या बोला कि जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो क्या करते हैं वो प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो अपने साथ मेमोरी लेकर आता है ठीक है एक मेमोरी उसको असाइन होती है कि भाई तू तो इतनी मेमोरी और काम कर लियो उस मेमोरी के अंदर उसके पास दो टाइप की मेमोरी होती है एक मेमोरी होती है स्टैक स्टैक मेमोरी एक होती है हीप मेमोरी ठीक है मैं स्टैक मेमोरी की अगर बात करता हूं तो स्टैक मेमोरी आपकी ऐसा मान लो और हीप मेमोरी आपकी ऐसा मान लो तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि अच्छा छोटी स्टैक मेमोरी लेके आता है वो तो समझिए तो हमें ये चीज समझ में आई कि छोटी मेमोरी लेके आता है स्टैक वाली और हीप वाली मेमोरी ज्यादा होती है ठीक है अगर मैं यहाँ पर कंपाइल टाइम पर ही बता दूँ कि मुझे दस साइज का एरे आता है दस साइज तो का एरे चाहिए तो प्रोग्राम बोलेगा भाई साहब इसको इतना साइज का एरे चाहिए तो स्टैक की मेमोरी उस हिसाब से लेके आई हो अच्छा तो जो स्टैक की मेमोरी है तो कंपाइल टाइम वाली चीजों के हिसाब से लाई जाएगी अगर मैंने यहाँ बोल दिया दस हजार का एरे बनाना है तो थोड़ी बड़ी ले आएगा कि यार थोड़ी सी बड़ी ले आता हूँ इस प्रकार बिल्कुल अभी लेमन टर्म्स में मेरे समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास दो मेमोरीज हैं एक स्टैक है एक हीप है स्टैक वाली छोटी होती है हीप वाली ज्यादा बड़ी होती है और जब हम ये वाली गेम खेलते हैं कि यार इंट ए आर आर एन जब मैंने ये बोल दिया आपका स्टैक मान लो इतनी मेमोरी लेके आया है अब आप जो एरे बनाना चाहते हो वो इतना बड़ा बनाना चाहते हो अब आपने क्या बोला रन टाइम पे बताया कि एन की वैल्यू जो है वो ये 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 है और आपने उस प्रकार का एक एरे बना लिया आपको इतना एरे चाहिए था पर स्टैक में तो इतनी मेमरी थी नहीं तो भाई साहब प्रोग्राम कैश कर गया समझ में आ रही बात में हमने क्या किया हमारे पास जो अवेलेबल मेमोरी है वो इतनी है स्टैक के अंदर और मुझे पता जो मैं एरे अपना बनाऊंगा इंट एरे इस वाली सिंटेक्स के साथ वो बनेगा स्टैक के अंदर ही तो मेमोरी इतनी है मैंने एरे बना दिया बड़ा वेरिएबल है ना मैंने एन की वैल्यू ली बहुत बड़ी और मैंने बोला यार इस वैल्यू का एक एरे बना दे इतना बड़ा एरे बना दे आपके सिस्टम ने चेक किया कि एरे इतना बड़ा बनाना है मेमोरी मेरे पास इतनी बनी हुई है तो कहाँ से बना के दूँ इसको मैं उसने बोला भाई क्रैश कर जाते हैं सबसे प्यारा तरीका समझ में ये चीज़ हमें दोबारा समझते हैं जब मैं इस सिंटेक्स का यूज़ करता हूँ तो मेरी जो एरे को मेमोरी अलॉट होती है वो स्टैक से होती है ये बात समझ में आ गई बहुत बढ़िया अब जब मैंने बोल दिया कि मेरे पास इतनी मेमोरी स्टार्टिंग में और और इतना बड़ा एरे मुझे बनाना है तो मैंने यार इनपुट लिया कितना बड़ा एरे बनाना है आपने बोला इतना बड़ा बनाना है तो ये आपका ये रन टाइम पर इतना बड़ा एरे बनाने के लिए आपने बोल दिया अब आप, आपके सिस्टम ने चेक किया कि यार मुझे इतना बड़ा एरे बनाना है क्या ये पॉसिबल है आपके सिस्टम ने बोला यार मेरे पास तो इतनी मेमोरी इतना बड़ा कहाँ से बना के दूँ तो क्रैश कर गया तीन बार रिपीट कर लिया समझ में आ गया बहुत बढ़िया तो यही वो रीजन था यही वो रीजन था जब आपको बोल रहा हूं बैड प्रैक्टिस है जब आपको बोलता हूं बैड प्रैक्टिस इसीलिए क्योंकि हो सकता है कि स्टैक के पास उतनी मेमोरी अवेलेबल ना और जितनी मेमोरी आप डिमांड कर दो तो इसलिए हमें ये वेरिएबल वाली गेम जो है नहीं खेलनी होती तो भैया मतलब कभी मुझे वेरिएबल ऐसे चाहिए होगा तो मैं बना नहीं पाऊंगा तो हम बैठे हैं बना पाओगे आप हम सिखाएंगे आपको ऐसे बनाई जाती है ठीक है ये दोस्त है मेरा पीछे इस पर ध्यान ना दे जब मैं कहता हूं कि हम बैठे हैं बनवाएंगे आपका लार्ज साइज का है तो कैसे बनेगा वो उसी चीज को समझते हैं मैंने आपको दो मेमोरी बताई ना यार एक मैंने आपको स्टैक वाली मेमोरी बताई एक मैंने आपको हीप वाली मेमोरी बताई आपने तक तो जितनी भी चीजें अब तक बनाई हैं आपने बोला कि यार इंट आई इज इक्वल टू फाइव इंट एर रे बना दो पचास साइज का भाई साहब एक करेक्टर बना दो सी एच करके वो सारा का सारा जो गेम था वो स्टैक का गेम था वो सारी मेमोरी आपको स्टैक से मिल रही थी ये वाली मेमोरी थी वो आपने हीप तो यूटिलाइज ही नहीं करी अब तक तो अब मैं अगर आपको बोलूँ कि भाई तुम तो वेरिएबल साइज का एरे बनाना है चल मैं बनवाता हूँ हीप से बनवाता हूँ चलो तो जो हमारा वेरिएबल साइज वाला एरे हम बनाने का सोच रहे हैं कि यार रन टाइम पे मुझे यूजर बताए एन की वैल्यू इतनी और मैं उस एन के अकॉर्डिंग एक एरे बना लूँ वो मैं कैसे बनाऊंगा मैं हीप मेमोरी का यूज़ कर लूंगा यार हीप मेमोरी में बहुत सारा स्पेस पड़ा अमीर है हीप ठीक है हीप बहुत अमीर है ये बनवा देगा ये करवा देगा सारा काम कैसे करवाता है जब आपको हीप की मेमोरी यूज करनी होती है अगर आपको हीप की मेमोरी यूज करनी होती है तो आप क्या करते हो न्यू की का यूज़ करते हो न्यू कीवर्ड ठीक है अगर आपको इस दरवाजे के अंदर आना है तो आपको इस दरवाजे की चाबी होनी चाहिए लॉक की है ना उसी प्रकार अगर आपको हीप के अंदर कुछ भी क्रिएट करना है तो भैया आपको न्यू की यूज करना पड़ेगा यह बात समझ में आ रही है मैं बात समझ में आ रही है बहुत बढ़िया तो मैंने क्या बोला मैंने आपको बोला कि यार ये आपकी हो गई हीप की मेमोरी मैंने आपको बोला कि ये आपका होगा हीप आपने मुझे बोला भैया मुझे ना यार एक यारेक्टर बनाना है मुझे एक बना के दो हीप मेमोरी के अंदर मैं बोला ठीक है दोस्त तो आपको करना क्या होगा क्या लिखना होगा आपको आपको लिखना होगा न्यू न्यूक्टर बस जैसे ही आपने ये चीज लिख दी न्यू करेक्टर आपने भैया एक करेक्टर की मेमोरी जो है डायनामिक वे में एलोकेट करवा ली अपने आपको जब आप स्टैक से स्टैक की मेमोरी का यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं स्टैटिक एलोकेशन डबल एल सी एन स्टैटिक एलोकेशन और जब आपका यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन समझ में आई ये हमें ये और स्टैक वाली स्टैटिक मेमोरी बोल दिया हमने अब जब मैं ये चीज लिखता हूं तो यहां पर क्या हुआ एक कलेक्टर के लिए जितना स्पेस हमें चाहिए वो यहां पर ब्लॉक हो गया एलोकेट हो गया ठीक है और यह स्टेटमेंट ने मुझे एक एड्रेस रिटर्न कर दिया स्टेटमेंट ने मुझे एक एड्रेस रिटर्न कर दिया वो एड्रेस कौन सा होगा जो भी इस ब्लॉक का एड्रेस होगा वो एड्रेस रिटर्न कर दिया समझ में आएंगे चीज़ हमें पर भैया एड्रेस थोड़ी चाहिए मुझे तो नाम चाहिए ना मतलब <laughs> तो जैसे स्ट्रैक्स में तो आप बड़े प्यार से बताते थे मुझे कि यार ये आई इजल टू फाइव है ये एरे का है और ये सी एच है यहाँ पे तो नाम लगवाओ कहीं पे मैंने कहा बिल्कुल सही बात है पर यार यहाँ पे नाम अलाउड नहीं है हीप में नाम अलाउड नहीं है आप ऐसे नहीं आ सकते हीप में आके बोलो कि यार एक आई बना दियो भाई ताज़ा ताज़ा इन टाइजल टू दस ये पॉसिबल नहीं है दोस्त आप ऐसे बना सकते हो कि सकते अच्छा। कर रहा है तो मैं किस प्रकार इस का यूज कर सकता हूं मुझे इतना याद है नामक चीज होती थी इंट स्टार पीटीआर जो कि भैया एक एड्रेस स्टोर कर लेता था और उस पॉइंटर के द्वारा मैं उस लोकेशन को एक्सेस कर लेता था तो मैं बहुत प्यार से पॉइंटर्स का यूज कर सकता हूँ यहाँ पर और लिख सकता हूँ कि अरे कैर स्टार का पॉइंटर बना लेता हूँ कैर स्टार सी एच और इसमें मैं इसको स्टोर करा देता हूँ कि यार न्यू कैर तो ये जो आपने गेम यहाँ पे खेली है ना यार इस प्रकार आप हीप के अंदर मेमोरी जो है वो एक अलोकेट करवा लेते हैं और इस पॉइंटर का यूज करके उसको एक्सेस कर लेते हैं ये बात समझ में आई तो अब इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार हुआ है जब मैं स्टेटमेंट की बात करता हूँ तो न्यू कैर से आपका ये वाली गेम हो गई कि यार इसका आपने एक ब्लॉक क्रिएट कर लिया इसका एड्रेस जो भी है फिर आपने जब कैशार सी एच किया तो एक पॉइंटर क्रिएट हुआ एक पॉइंटर क्रिएट हुआ ये बन गया पॉइंटर सी और वो पॉइंटर जो है भैया इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है इसके अंदर सात सौ दस स्टोर है जो कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक का एड्रेस है समझ में आई चीज़ हमें दोबारा समझते हैं मैंने आपको स्टेटमेंट दी यार कैर स्टार सी एच इज़ इक्वल टू न्यू कैर ठीक है तो मेरे पास दो मेमरीज हैं मुझे पता है मेरे पास दो मेमरीज हैं बनाते हैं एक है मेरी हीप मेमोरी और एक है मेरी स्टैक मेमोरी मैंने यहाँ पे लिख भी लिया कि यार ये स्टैक है और ये हीप है इसका मतलब पहली बात ये न्यू कैर यहाँ पे मैंने बनाया है ये तो भैया यहीं पे बनेगा ये एक ब्लॉक बन गया करेक्टर के लिए और इसका कुछ एड्रेस होगा मान लेते हैं सात फिर मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया ये पॉइंटर वाइज स्टैक पर बनेगा तो पॉइंटर कैसे बनता है एक ब्लॉक बन गया ठीक है आर्ट बाइट का इसका नाम सी हो गया और इसके अंदर ये वाला एड्रेस जो है स्टोर हो गया सात तो इंटरनल फंक्शनिंग पीछे सीन्स क्या चल चल रहा है है तो सीन यार ये वाली गेम चल रही है। जो कि आपको समझ में अब आ, आ गई अच्छा इस प्रकार तो ये जो है आठ बाइट का ये स्टैक्स में है और नया करेक्टर है ये एक बाइट का यहाँ पे बन गया तो इन टोटल यहाँ पर ये भाई साहब पूरी नौ बाइट की गेम चल रही है पॉइंटर का पता है हमेशा आठ बाइट लेगा तो ये बात समझ में आ गई है ये नौ बाई टोटल हो गया वेरीफाई कैसे करें भाई गलत तो नहीं बता रहे आप मैं क्या चेक कर लेते हैं एक बार हमने स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे मैं एक करेक्टर बना लेता हूँ करेक्टर सी एच ठीक है इसको मैंने कुछ भी दे दिया ए दे दिया मान लो क्यू दे दिया जो मजे दे दिया इसको मैंने प्रिंट कर लिया सी आउट और ये मैंने लिखा साइज ऑफ और इसको लिख दिया सी एच अब यहाँ पे सी एच में पता है एक बाइट का होता है भाई करेक्टर तो आंसर वन आना चाहिए ये मेरा आंसर वन आ गया अब मैंने क्या किया मैंने एक पॉइंटर बना लिया कैर टाइप का कैर स्टार सी इज इक्वल्स टू एंड ऑफ सी एच

इसका नाम मैंने दे दिया आई इज इक्वल्स टू न्यू इंट तो मुझे क्या पता है भाई न्यू इंट जो एक नया इंटीजर देगा हीप के अंदर देगा हीप के अंदर आ गया इंट क्रिएट हो गया जो कितनी बाइट लेगा चार बाइट लेगा बहुत बढ़िया एक पॉइंटर है पॉइंटर जो है वो किस के अंदर स्टैक के अंदर क्रिएट हुआ होगा और ये कितनी बाइट लेगा ये आठ बाइट लेगा तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट टोटल बारह बाइट उठा रही है यार ये ओवरऑल स्टेटमेंट कितनी बारह बाइट उठा रही है इसको बारह बाइट मेमोरी एलोकेट हुई है ठीक है तो ये वाली गेम हमें समझ में आ चुकी है कि ठीक है यार जब भी मैं इस प्रकार की स्टेटमेंट लिखता हूँ इस प्रकार की तो यार ये वाला पार्ट जो है स्टैक में एलोकेट हो रहा है और ये वाला पार्ट जो है हीप में एलोकेट हो रहा है बट भैया गेम तो एरे की थी हम तो एरे समझने आए थे क्या समझा दिया मैं को पता है भाई पहले बेसिक समझ लो उसके बाद आगे बढ़ोगे एरे में चलते हैं आप हमने बोला मुझे एरे चाहिए भैया मुझे एरे बना के दो मैंने बोला ठीक है दोस्त हाई बना देते हैं ये क्या है ये हीप मेमोरी है ये क्या है ये हीप मेमोरी है मैंने बोला मुझे ना पांच ब्लॉक का एरे चाहिए एक दो तीन चार पाँच और मुझे पता है हीप से मैं कुछ भी ले लूँ वो तो भाई एड्रेस देगा मुझे तो अगर मुझे एरे क्रिएट करना है तो मैं कैसे क्रिएट करूंगा मैं लिखूंगा एक नया इंट पांच साइज का दे दो फटाफट दे दो तो इस प्रकार मैंने एक एरे जो है वो क्रिएट कर लिया है ये मुझे क्या देगा इसकी बेस लोकेशन स्टार्टिंग वाली लोकेशन का एड्रेस दे देगा सात सौ दस तो मैं इसको क्या करूंगा एक पॉइंटर में स्टोर करूंगा क्योंकि इंट टाइप का है तो पॉइंटर ऐसा बना दूंगा कि इंट स्टार ए आर आर तो ओवरऑल मेरी स्टेटमेंट कैसी दिखने वाली है इस प्रकार के यार इंट स्टार ए आर आर इज इक्वल्स टू न्यू एंट और ये आ गया आपका फाइव तो इस प्रकार आप एक एरे क्रिएट कर सकते हैं हीप मेमोरी के अंदर यहां पे टोटल कितनी मेमोरी लग रही है भैया मैं समझा देता हूं ये क्या है आपकी पांच आ, इंटीजर की मेमोरी लेगा पांच इंटू चार बीस और ये क्या है पॉइंटर हमेशा आठ लेगा तो आपकी टोटल मेमोरी कितनी लग गई अट्ठाईस समझ में आई ये चीज हमें बहुत बढ़िया तो ये बीस मेमरी है ये हीप पे एलोकेट हुई होगी और जो ये आर्ट की मेमोरी है ये आपकी स्टैक पे एलोकेट हुई होगी जो स्टैक वाली मेमोरी एलोकेट होती है उसको मैं स्टैटिक एलोकेशन बोलता हूँ जो ही मेमोरी एलोकेट होती है उसको मैं डायनामिक एलोकेशन बोलता हूँ बहुत बढ़िया तो गेम तो बहुत क्लियर है गेम बहुत क्लियर है मैं समझ में आ चुकी है इसके ऊपर चला के दिखाई देता हूँ आपको कि यार हीप कैसे एलोकेट करते हैं मैंने बोला कि यार इंड स्टार ए आर आर इजिकल्स टू न्यू इंड और भाई आपका ये फाइव बहुत बढ़िया हो गया अब मैंने क्या किया चलो गेम ये थोड़ी थी गेम समझाते हैं तो ये थी कि भैया मैं आपको ना एक एन दूंगा और आप फिर एक वेरिएबल साइज का एरिय क्रिएट करना ये गेम थी ना ये करते हैं आपके लिए तो मैंने क्या बोला दोस्त मैंने बोला कि चल जैसे आप क्या तो वैसे कर लेते हैं इंट एन सी इन एन बहुत बढ़िया वेरिएबल साइज मिल गया ठीक है तो मैंने पे इनपुट ले लिया अब मैं एक क्रिएट कर सकता हूं मैंने बोला इंट स्टार ए आर आर इज इक्वल टू न्यू इंट और उसका साइज क्या होगा एन होगा तो यहां मैंने एक वेरिएबल साइज का एरे क्रिएट कर लिया है बढ़िया अब मैं सबसे पहले इनपुट ले लेता हूँ मैंने बोला यार फॉर इन टाइज इक्वल टू जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस सी इन ए आर ऑफ आई तो यहाँ पे मैंने एरे में इनपुट ले लिया ठीक है अब मैंने क्या बोला मैं एक फंक्शन बना हूँ जो कि मुझे इसका सम दे देगा सारे एलिमेंट्स का यहाँ मैंने फंक्शन बना दिया इंट गेट सम अंदर आपका क्या आगे कह आ गया अरे को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ आपने देखा था पुराने लेक्चर्स के अंदर एज अ पॉइंटर की फॉर्म में अब मैंने क्या बोला कि यार एक वेरिएबल है इस सम नाम का इसमें सब कुछ जीरो है स्टार्टिंग में और मैंने एक फोर लूप चलाया है फोर इन तो i 0 i n सम arr ऑफ i और यहां पे आपने कर दिया रिटर्न सम ठीक है तो आपने पे सम रिटर्न कर दिया मैंने यहां पे आपने एर आर पास किया था ठीक है एन पास करना है ठीक है इस प्रकार और आपने यहाँ पे अपना आंसर जो है वो प्रिंट कर दिया आंसर इज ठीक है इस प्रकार आपने अपना आंसर प्रेट कर लिया हमने रन किया उसने स्पेलिंग गलत है स्पेलिंग ठीक कर लो हमने स्पेलिंग ठीक कर ली फिर दोबारा रन किया उसने आपका 5, 4, 9, 12, 15। बढ़िया। तो आंसर फिफ्टीन आ गया तो इस प्रकार बिल्कुल सही चल रहा है आपने यहाँ पर एक वेरिएबल एरे वेरिएबल साइज का एरे क्रिएट करना सीख लिया है बहुत बढ़िया समझे इस चीज को एक बार समझते हैं हमने क्या लिखा के यार इंट एन और ये सी एन एन यहाँ से आपने एन को इनपुट में ले लिया फिर मैंने लिखा कि यार इंट स्टार ए आर आर इज इक टू न्यू इंट एन आपने ये इनपुट में ले लिया अब ये इनपुट में डल के तो आप यहाँ से इस पार्ट से एक हीप में एरे क्रिएट कर पाओगे एन साइज़ का तो आपका एक एरे क्रिएट हो गया एन साइज का उसने आपको एड्रेस रिटर्न कर दिया वो आपने इस पाउंटर में स्टोर कर लिया जो कि आपका स्टैक के अंदर क्रिएट हुआ पड़ा है ए आर आर यहाँ पे उसका एड्रेस सात सौ दस स्टोर हो गया बस इसी प्रकार करना यार तो जब भी वेरिएबल साइज़ एरे बनाने का मन करे चाह उठे अंदर से तो भैया इस प्रकार कर लेना ये आपके लिए आसान चीज़ है ठीक है अभी आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ चुकी होगी और आपको लग रहा होगा यार तो मजाक है अब हम यहाँ पे आते हैं भैया ए आर आई क्यों लिखा आपने तो पॉइंटर क्रिएट किया गया या किया था आपने समझ नहीं आया भैया कैसे करा अरे दोस्त मैंने एक फॉमूला बताया था ना आपको मैंने आप क्या फॉर्मूला बताया था कि यार जब आप लिखते हो ए आर आर ऑफ़ आई तो किसके इक्वल होता है वो इक्वल होता है स्टार ऑफ ए आर आर प्लस आई ये भी एड्रेस है ये भी आप इंक्रीमेंट कर रहे हो है ना अगर मान लो कि ये दो है और आपका ये बेसिक ये स्टार्टिंग एड्रेस है दो का मतलब क्या है पहले वाले पे जाओ दूसरे वाले पे जाओ इस प्रकार जाना होता है ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके पुराने लेक्चर्स के अंदर तो आपको समझ में अब तक आता होगा ये नॉर्मल चीज आपके लिए ठीक है।, है अब हम समझते हैं थोड़ा सा डिफरेंस चलो हमने देख लिया आर्य किस प्रकार क्रिएट करना है हमने देख लिया रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है वाई वाले पार्ट समझ लिया हीप क्या होता है स्टैक क्या होता है स्टैटिक एलोकेशन क्या है डायनामिक एलोकेशन क्या है वगैरह 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 आपने बोला भैया वो सब ठीक है मुझे ना डिफरेंस बिटवीन बता दो अगर मेरे सामने कल को इंटरव्यू मुझसे पूछे कि स्टैटिक में और डायनामिक एलोकेशन में फ़र्क क्या होता है तो मैं क्या बोलूँगा उसको मैं क्या बोलूँगा उसको बिल्कुल ठीक है भाई तो पहले चीज एक बार एरे क्रिएट करके देख ही लो यार एक बार एरे क्रिएट करके देख ही लो आपने एरे क्रिएट कर लिया इंट ए आर आर पचास ये स्टैटिक में इस प्रकार होगा और डायनामिक में देख लेते हैं किस प्रकार होगा डायनामिक में ऐसा होता है कि यार int स्टार यार यार किसी को string new int 50 इस प्रकार होता है ये टोटल कितनी मेमोरी ले रहा है 50 into 4 200 बाइट की ना एक इंटीजर 4 का होता है ना और ये कितनी ले रहा है 50 into 4 200 बाइट हीप पे ये पूरी स्टैक पे ले रहा होगा और ये पॉइंटर ये 8 बाइट की ले रहा है स्टैक पे टोटल मेमोरी कितनी होगी 208 इसमें कितनी है दो सौ देखा फर्क देखा तो ये चीज़ आपको समझ में आए अच्छा यार ये मेमोरी का भी फ़र्क आ रहा है अरे तो हमने बेसिकली सेम साइज़ के बनाए बट मेमोरी जो आपने दी है लोकेट करिए उसका डेफिनेटली एक फ़र्क पड़ रहा है और हमें शुरू से आदत होती है ना हम नए नए कोडर बन रहे होते हैं तो हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स उठा के लाते हैं कि यार सिस्टम क्रैश कर जाए सामने वाले का लैपटॉप ख़राब हो जाए इस प्रकार की चीज़ें उठा के लाते हैं तो एक ऐसी कोई चीज़ समझाता हूँ मैं आपको यहाँ पे लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है वो चीज़ मान लो कि मैंने एक वाइल्ड लूप चलाया मैंने एक वाइल्ड लूप चलाया और ये इन्फानेट लूप चला दिया वन कंडीशन लगा वन डाल दिया तो हमेशा ट्रू रहेगा या फिर इसको वन को हटा दो इसको मैं लिख दिया ट्रू इस प्रकार हमेशा ट्रू रहेगा अब मैंने क्या बोला इसके अंदर ना एक पॉइंटर क्रिएट करते रहो एंड स्टार पी टी आर इज इक्वल्स टू इसमें आप एक नया इंटीजर क्रिएट करते रहो इस इं� प्रकार क्या लगता है तो ये बहुत भयानक चीज़ है यार ये बहुत शैतानी भरी चीज़ है अगर आपको समझ में आ चुकी है शैतानी प्लस प्लस लिख देना नीचे ठीक है अब यहाँ पे हो क्या रहा है इस चीज को समझते हैं चलो हम नॉर्मल वे में चलते हैं ये तो डायनामिक में हो गया स्टैटिक वे में चलते हैं एक बार स्टैटिक वे में कुछ इस प्रकार का ही होता है के यार वाइल्ड ट्रू इंट आई इज इक्वल टू फाइव फाइव बहुत यूज करता हूँ ठीक है तो ये है आपका केस वन और ये है आपका केस टू केस वन की बात कर लेते हैं एक बार मैंने आपको बोला केस वन समझाओ एक बार केस वन क्या कहता है कि एक वाइल्ड लूप है उसके अंदर आपने ट्रू लिखा हुआ है और अंदर आप कुछ नहीं कर रहे एक वेरिएबल क्रिएट करते जा रहे इस हो अन... आ... इसमें क्या होगा आप इसमें क्या होगा कि आप अंदर आए आपने क्रिएट किया फिर भैया आप, आपका ब्रेसिच हो गया तो ये डिलीट हो गया मेमोरी क्लियर हो गई फिर आप वापस अंदर आए आपने फिर से क्रिएट किया फिर ये खत्म हो गया फिर ये मेमोरी फिर दोबारा रिलीज हो गई फिर आप वापस अंदर आए ये मेमोरी क्रिएट हुई इसके लिए और फिर उसके बाद दोबारा ये रिलीज हो गई तो क्या हो रहा है कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में आपने सिर्फ एक इंटीजर की ही मेमोरी ली हुई है हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक इंटीजर के लिए मेमोरी ली हुई है क्योंकि तो जैसे ही आपका ये ब्रैकेट रीच होता है आपकी ये वाली मेमोरी रिलीज हो जाती है फ्री हो जाती है फिर आप आते हो अंदर दोबारा से वो एलोकेट कराते हो स्टैटिकली और फिर आप यहां पहुंचते हो फिर दोबारा वो रिलीज हो जाती है तो ये वाली गेम आपको समझ में आ गई कि यार किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपने सिर्फ एक इंटीजर की ही या फिर चार बाइट की ही मेमोरी एलोकेट करवा रखी है अपने आपको स्टैक पर ठीक है केस टू की बात कर लेते हैं केस टू क्या कहता है कि यार ये एक वाइल लूप है और इसके अंदर क्या हो रहा होगा इसके अंदर हमने एक पॉइंटर क्रिएट कर लिया कैर इंटीजर लेते जा रहे हैं हम चलो इसके अंदर समझते हैं क्या होता है आप जब इसके अंदर आओगे आपने भैया ये आठ में आठ बाइट बना ली स्टैक के ऊपर और ये चार बाइट बना ली हीप के ऊपर ठीक है समझ मैं ये है में ये चीज हमें ये आपने बना ली फिर आप जब यहाँ पे आए तो आपकी स्टैक वाली चीज़ें फ्री हो जाती है दोस्त बट आपकी हीप वाली चीज़ फ्री नहीं हुई समझ में आई यहाँ पे तो ये जो बना हुआ था यहाँ पर आई ये स्टैक पर बना था तो जैसे ही आपका ये ब्रैकेट रीच होगा तो आपको मेमोरी फ्री हो जाएगा सेम उसी प्रकार जब आप यहाँ पर आते हो और ये स्टैक में बनाएं ये हीप में बनाएं तो जब इस ब्रैकेट को रीच करोगे तो ये तो मेमरी रिलीज हो जाएगी बट यार ये अभी भी हीप में पड़ा हुआ है इन शॉर्ट इन शॉर्ट समझाते हैं आपको इन शॉर्ट इसने ली थी आपकी आठ बाइट इसने ली थी आपकी चार बाइट ये वाली तो रिलीज़ हो रही है स्टैक वाली बट ये हीप के अंदर इकट्ठी होती जा रही है फिर आप दोबारा लूप में गए एक और चार क्रिएट हो गया फिर आप दोबारा लूप में गए एक और चार ऐड हो गया फिर आप दोबारा लूप में गए एक और चार ऐड हो गया इन शॉर्ट आपके हीप के अंदर इंटीजर की मेमरी आप लेते जा रहे हो एक इंटीजर एक इंटीजर एक इंटीजर एक इंटीजर एक इंटीजर एक इंटीजर ऐसे करके आप बहुत सारे इंटीजर बनाते जा रहे हो समझ रहे हो तो भैया जैसी मेमोरी आपकी फुल हो जाएगी फिर दोबारा आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा

आई इज इक्ल्स टू न्यू इंट ठीक है अब तुझे वो नहीं चाहिए तो तू तो कैसे डिलीट करेगा उसको तो बोलेगा कि यार डिलीट आई बस इतना सही इस प्रकार आपने उसको डिलीट कर दिया भैया पर मैंने तो अरे बनाया था एरे बनाया, बनाया था चल कोई नहीं एरे कैसे बनाया था तूने भैया ऐसे बनाया था इंट स्टार ए आर आर इज ईक्ल्स टू न्यू इंट और ये मैंने पचास साइज का बना रखे भैया बहुत बढ़िया पचास का बनाओ एन का बनाओ जिस मर्ज़ी का बनाओ डिलीट कैसे करेंगे दोस्त कुछ भी नहीं डिलीट बता दो उसको उसके ऊपर कैरे है जब मैं ये सिंटेक्स तो अच्छा, यूज कर लेता हूँ तो उसके बाद अच्छा एरे डिलीट करने के आ रहा है उसको पता लग जाता है ठीक है तो इस प्रकार आप एरे डिलीट कर सकते हो ये है आपका फॉर एरे डिलीशन और ये हो गया आपका फॉर सिंगल इंटीजर सिंगल एलिमेंट ऐसा कुछ कुछ डिलीशन। समझ में आई ये चीज चीज समझ में आई हमें तो ये कुछ कुछ डिफरेंसेस थे जो आपको मैंने बता दिए हैं आपको स्टेटिक एलोकेशन डायनामिक एलोकेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए अब तक स्ट्रैक क्या होता है हीप क्या होता है स्ट्रैक छोटा होता है कंपाइल टाइम पे हम डालते हैं एक एरे को अगर हम इस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं हम लिख रहे हैं इंटर ए आर आर एन तो क्यों नहीं करना चाहिए रीजन वाई क्लियर होना चाहिए वाई वाला पार्ट अगर हमारे क्लियर है तो हम चाहे भाई हम कोई भी इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे अगर वाई क्लियर नहीं है तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आ जाए हमारे बस की बात नहीं है समझ गया चीज़ हम रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है सेम नाम डिफरेंट सॉरी सॉरी सेम मेमोरी डिफरेंट नाम ठीक है तो ये चीज़ हमें क्लियर हो चुकी है यार ये चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और मज़ा आ चुका है ठीक है अब यहाँ पे आपके लिए एक चीज ऐड कर देता हूँ यार ये डॉक्यूमेंटेशन कुछ प्यारी सी आपके सामने पड़ी हुई है कोड स्टूडियो पर ठीक है आप यहाँ पे मेमोरी लोकेशन की पढ़ सकते हैं यहाँ पे हमने रेफरेंस वेरिएबल डिस्कस किया है है ना पाँच बार रेफरेंस डिस्कस किया है आपके लिए होमवर्क में दो चीज डालता हूँ और मैं एक तो वर्ड पॉइंटर आपको पढ़ के आने कि वर्ड पॉइंटर होता क्या चीज़ है वॉइड पॉइंटर्स क्या चीज होती है ठीक है और यहाँ पर एड्रेस टाइप कास्टिंग ये मैंने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करी है मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, है। ये आप पढ़ेंगे एक बार खुद एड्रेस टाइप कास्टिंग, ये आपके लिए होमवर्क है ठीक है ये दोनों चीजें आपके लिए होमवर्क है और बाकी रेफरेंस पाँच बार रेफरेंस हमने पढ़ लिया इसको आप पूरा देख सकते हैं कोड स्टूडियो पर डायनामिक मेमोरी लोकेशन कोड पर डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है इसको आप देख सकते हैं पूरा पढ़ेंगे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी ठीक है अभी हमने टू डी आर डिस्कस नहीं किया अगले वाले में डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन यहाँ पड़ा हुआ है ठीक है ये सब वगैरह 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 देख सकते हो मैक्रो इन लाइन कॉन्सेंटल अगले लेक्चर में देखेंगे यहां पर मैं एक मॉक टेस्ट ऐड करवा दूंगा आपका डायनामिक एलोकेशन के लिए बात कर करूँ कोर्ट स्टोरी कोर्ट स्टूडियो की टीम के साथ और वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा अगले दो तीन दिन के अंदर डन है अभी वो ट्रिप पे गए हुए हैं ठीक है थेका? तो कोर्स शुरू पर डॉक्यूमेंटेशन बढ़ फॉलो करके अपने लोग कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे मज़ा आ जाएगा और इसमें इतना ही है। मिलते हैं आप सीट में तब तक के लिए बाय बाय कमेंट सेक्शन में बता के जाना भाई कैसी लगी है इस बार हम थोड़ा स्पीड में खींचने की कोशिश इच्छे बताना कि ऐसे करना है या फिर पुराने वाला स्लो 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 जैसा आप कहेंगे वैसे हो जाएगा और बस बाय बाय